नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज 14 नवंबर 2019 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। एजुकेशन भास्कर स्कॉलरशिप्स हेलमुट विथ स्टाइपेंड 2019। आरपीएससी अभ्यर्थी बोले, परीक्षा अगले साल जनवरी में नहीं जुलाई अगस्त में हो। स्कूल प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 की तिथि बढ़ाने के लिए सौंपा ज्ञापन। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 अजमेर। भर्ती परीक्षाओं के बदले हुए स्वरूप ने चुनौतियां बढ़ाई। नई रीट शिक्षक भर्ती 2019-20, नई पटवारी भर्ती 2019 जयपुर। शिक्षा विभाग, प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा में खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, नई थर्ड ग्रेड सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती जयपुर। आरयू में भर्ती का नया फ्रॉड, लिपिक ग्रेड 2 के 86 पद है। किसी ने 4500 पदों पर भर्ती की फर्जी विज्ञप्ति निकाल दी। जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय, पीआरओ परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। ऑनलाइन आपत्तियां 18 से दे सकेंगे। आरपीएससी अजमेर, शिक्षा निदेशालय पहुंचे दोहरे पदस्थापन वाले 39 लेक्चरर। बीकानेर शिक्षा विभाग, रेलवे में जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग शुरू। पहले दिन 60 अभ्यर्थी पहुंचे। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर। राजस्थान पुलिस में 8वीं 10वीं पास के लिए होगी भर्ती। राजस्थान पुलिस भर्ती 2019-20 श्रीगंगानगर। अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व बोर्ड का कोर्स खत्म होगा जयपुर। 9वीं 11वीं के रजिस्ट्रेशन में आज से किए जाएंगे सुधार जयपुर। इग्नू में जनवरी 20 में प्रवेश प्रक्रिया शुरू जोधपुर। जेएनएम प्रशिक्षण सत्र 2019-20 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 20 को जयपुर। अब आईआईटी दिल्ली में भी मिल सकेगा इसरो का एक्सपोजर कोटा। बोर्ड की विशेष पूरक परीक्षा आज से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। एसटीएससी 24 को 27,000 विद्यार्थी आजमाएंगे भाग्य जयपुर। बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा अगले माह होगी शुरू। जल्द ही बोर्ड जारी करेगा परीक्षा कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। एमजीएस यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का डाटा बैंक बनेगा बीकानेर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। कृषि यूनिवर्सिटी में कृषि विकास पर राष्ट्रीय सेमिनार आज से। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। कॉलेजों की समस्याओं पर संवाद में होगा मंथन बीकानेर। भास्कर कास साला दर्पण की जिला रैंकिंग में पिछड़ा जोधपुर प्रदेश में 32वें स्थान पर जोधपुर साला दर्पण है। शिक्षकों की सीएस करने से पूर्व स्क्रूटनी कमेटी ने मांगी सूचनाएं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। अच्छी खबर, घूमट के सरकारी स्कूल में पहले 8 कक्षाओं को पढ़ा रहे थे 2 शिक्षक, 2 और लगाए, फिर भी पढ़ाई हो रही थी प्रभावित। अब 3 सेवानिवृत्त शिक्षक पढ़ाने को हुए तैयार बाड़ी। नई व्यवस्था, सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम को लेकर सभी प्रिंसिपल को लिखा पत्र। सीबीएसई ने कहा, 12वीं पास करने के लिए स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल में भी हासिल करने होंगे कम से कम 33% अंक कोटा। प्रदेश के सभी 3700 कॉलेजों को वेबसाइट बनाकर देनी होगी प्राचार्य संकाय सदस्यों के नाम, नंबरों और संसाधनों की जानकारी। बनाने होंगे स्मार्ट विलेज उदयपुर। 9 कैटेगरी में देंगे एक्सलेंस अवार्ड, यूसीसीआई ने 30 तक मांगे आवेदन उदयपुर। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी मिलेगी नौकरी में आरक्षण जयपुर। जॉब अलर्ट, 10वीं पास के लिए रेलवे में वैकेंसी, 8 दिसंबर से आवेदन शुरू। एमडीओसी ने जारी किए बीएड के परिणाम अजमेर। टीबी में स्कूल प्रमुख व शिक्षकों के समग्र विकास के लिए प्रशिक्षण शुरू, एनसीईआरटी का आयोजन टीबी। प्री बोर्ड परीक्षाएं 25 नवंबर से 6 दिसंबर तक, बदले पैटर्न से पूछे जाएंगे सवाल डूंगरपुर।
राज्य के विधि महाविद्यालय प्रतीक्षा सूची के छात्रों को 15 तक प्रवेश शुल्क जमा करवाना होगा। LLB प्रथम वर्ष 292 आवेदन आए थे, 120 विद्यार्थियों को मिलेगा प्रवेश। सामान्य श्रेणी की कट ऑफ रही 64%। श्रीगंगानगर, शिक्षक ने स्कूल भवन का कायाकल्प किया, 70,000 रुपये खर्च कर पूरे भवन पर कराया रंग रोगन, सुंदर चित्रकारी भी करवाई। पहुना, सरकारी विद्यालयों में आज नेहरू जयंती पर मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रमों में होगी प्रतियोगिताएं। भरतपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे में 2029 अप्रेंटिस पदों के लिए मांगे आवेदन। जोधपुर, राज्य सरकार ने 10 संस्थाओं के साथ किया MOU। जयपुर, मुख्यमंत्री ने दी प्रस्ताव को मंजूरी, मदरसों को स्कूल सुविधा अनुदान के लिए राज्य निधि से मिलेंगे 188 लाख। जयपुर, 118 सरकारी कॉलेजों में 39 पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा। महाविद्यालय में कम्युनिटी कनेक्टर प्रोग्राम आज। अजमेर, रेलवे में लगातार हो रही है बंपर भर्तियां, 8 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड श्रीगंगानगर, गवर्नमेंट कॉलेज में इस बार बड़ी आवेदन, कॉलेज में 132 सीटों पर 432 स्टूडेंट्स ने भरे फॉर्म। बूंदी, कोटा। तो दोस्तों, इतिहास के राजस्थान के शैक्षिक समाचार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।